नमस्कार साथियों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टर्म प्लान के रिगार्डिंग जिस टर्म प्लान को लेके आप बहुत ही कम अमाउंट पे करने के बाद दो लाख रुपए का बीमा कवरेज ले सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप दिसिंग ब्रॉडकास्ट में दिसिंग ब्रॉडकास्ट में, में आपको समय समय पर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी और यूट्यूब की टेक्निकल्स अपडेट्स मिलती रहती हैं तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री द्वारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये एक टर्म प्लान लॉन्च किया गया ये टर्म प्लान में मात्र हमें तीन सौ तीस रुपये दे के हम दो लाख का बीमा कवरेज ले सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हो आजकल हमारे देश की जो जीडीपी है वो कम हो रही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एक आम आदमी जो एक मध्यम वर्ग का एक कमाने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक टर्म प्लान लेना उसकी पहुंच से बाहर हो जा रहा है और मात्र तीन सौ तीस रुपये एक साल में हमें पे करने हैं एक रुपए से भी कम राशि एक दिन के लिए तो हमें दो लाख का बीमा कवरेज मिल जाता है तो दोस्तों इसमें आ, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को ये एक टर्म प्लान लॉन्च किया गया अलग अलग बैंकों में अलग अलग पोस्ट ऑफिस में आपको ये बीमा योजना आपको मिल सकती है अगर आपके अलग अलग बैंकों में अकाउंट है आपने अलग अलग जगह इसको ले सकते हैं लेकिन आपको जो बेनिफिट्स वो एक जगह मिलेगा तो चलिए देश दोस्तों आगे इस वीडियो में डिटेल से मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर जो आपके डाउट्स हैं जो उसको मैं क्लियर कर पाऊंगा आशा है मैं अपनी इस वीडियो में दोस्तों तो जिस टर्म प्लान की हम आज बात कर रहे हैं टर्म प्लान में पॉलिसी धारक को मौत होने की पर उसकी बीमा कंपनी उसको दो लाख रुपए का भुगतान करती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस टर्म प्लान में जो मैक्सिमम समशोड़ है तीन सौ तीस रुपये दे के दो लाख का समशोड़ मिलता है और उस अमाउंट की उस व्यक्ति के जो नॉमिनेशन उसने दर्ज करवाए होते हैं अपने अकाउंट में उनको भुगतान किया जाता है दोस्तों चलिए बात करते हैं इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कुछ और खासियत के बारे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ख़रीदने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि ऑनलाइन हम कभी कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं उसके लिए हमें अलग से टर्म प्लान लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है मेडिकल जांच करवानी पड़ती है प्राइवेट कंपनियों द्वारा उसके बाद ही हमें वो इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू होती है लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है आपको बैंक में जाना है पोस्ट ऑफिस में जाना है जहाँ किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है वहाँ जाके एक सिंपल फॉर्मेट आपको भरना है और आपको बिना किसी मेडिकल के ये बीमा की योजना के लाभ मिल सकता है सेकेंड पॉइंट दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ये के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र पचास साल होनी चाहिए मतलब एक व्यक्ति जो 18 साल और 50 साल के बीच में कभी भी ये बीमा योजना का लाभ ले सकता है इसमें नॉमिनेशन ले सकता है दोस्तों आम करके लोगों के मन में इस उम्र को लेके थोड़ा सा डाउट है इसको मैं थोड़ा सा तीसरे पॉइंट में और क्लियर करने वाला हूँ इस पॉलिसी की जो परिपक्वता है मैच्योरिटी है उसकी उम्र पचपन साल है इट मींस कोई व्यक्ति अठारह से पचास साल तक इस टर्म प्लान में एंटर हो सकता है लेकिन इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है मतलब उसके बाद पाँच साल तक उसने कुछ पेमेंट नहीं की लेकिन इसकी मेचोरिटी बनी रहेगी पचपन साल तक उसको फायदा उसका जो है सम शोड़ का वो बना रहेगा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल रीन्यू करना पड़ता है जो न मैंने पहले आपको बताया कि तीन सौ तीस रुपये दे आप ये दो लाख का ले सकते हैं सम शोड़ इसके लिए आपको हर साल तीन सौ अपने बैंक खाते से अपने पोस्ट ऑफिस खाते से कटवाने होंगे तो ही जाके आपको इस दो लाख को कंटिन्यू रख पाओगे टिल 55 फाइव ईयर तक जैसे कि पहले हमने बात कर ची है पाँचवें पॉइंट में वही हमने बताया दोबारा इसमें समशोड अमाउंट यानी कि बीमे की रकम दो लाख है इसके बाद छठा पॉइंट प्रधानमंत्री बीमन जीवन ज्योति बीमा योजना की सालाना प्रीमियम तीन सौ है इस बैंक खाते में एसीएस के जरिए आपसे ली जाती है एसीएस लग जाती है आपके बैंक अकाउंट में जहाँ भी आप अपना नॉमिनेशन करवाते हैं इसमें इसके बाद कुछ बैंकें ऐसी हैं जो इस 330 रुपए के ऊपर कुछ अपने सर्विस चार्जेस भी लेती हैं और ये जो 330 बीमा कटेगा आपसे तो 330 रुपए ही लिया जाएगा लेकिन ये जीएसटी भी लागू होगा इस अमाउंट के ऊपर इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें रिस कवर दो लाख है और दो लाख कब मिलेगा किस डेथ पे एनी टाइप ऑफ दी डेथ नेचुरल डेथ कुदरती मौत में कोई बंदे की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में हो जाती है किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारी तरह की इट मीनस एनी टाइप ऑफ डेथ सारी तरह की जो डेथ है इसमें कवरेज है उसमें ये दो लाख एप्लीकेबल होगा दोस्तों इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उसमें इस लाइन में थोड़ा डिफरेंस है उसमें नेचुरल डेथ और एनी टाइप ऑफ डेथ कवरेज नहीं है उसमें ओनली एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है लेकिन इसमें सारी तरह की डेथ कवरेज है इसमें तीन सौ तीस रुपये दे के दो लाख का बीमा मिलता है सेकंड पॉइंट दोस्तों पॉलिसी डज नॉट प्रोवाइड एनी कवर अगेंस्ट द सुसाइड मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया ये दो लाख का समशोड़ वाला और उसने बाद में सुसाइड कर लिया सुसाइड करने के बाद इस पॉलिसी का जो समोड़ है उस अब पॉलिसी अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता बीमा कवर की जो किसी सदस्य की मौत हो जाती है जिसने ये बीमा कवर ले रखा है मौत हो जाने के बाद जो उसने नॉमिनेशन दर्ज करवाया होता है उसको दो लाख रुपये मिलता है फोर्थ पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए हैं और उसके ऊपर उसने प्रीमियम भी पे किया है हर बैंक अकाउंट में लेकिन जब उसकी डेथ होगी उसको समझोड़ दो लाख रुपए ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि जितनी बैंकों में खाता खुलवा के तीन सौ तीस रुपये हमने पे किए हैं सब जगह हम दो 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 लाख रुपया ले सकते हैं ऐसा नहीं ओनली दो लाख दोस्तों ये जो टर्म प्लान है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जे किसी भी तारीख को आप खरीद सकते हैं कि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है लेकिन इसका जो कवरेज है आप नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से आपके अकाउंट से काटा जाएगा और आपका जो कवरेज है वो इकत्तीस मई तक मान्य होगा इसके बाद हर साल ये एक जून को रीन्यू होता है इट मींस इसकी जो अवधि होती है एक जून से लेके नेक्स्ट ईयर इकत्तीस मई तक होगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो कवरेज है और हर साल इसको तीस सौ तीस रुपये दे के इसको रिन्यू करवाना पड़ता है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा जो जो बीमा योजना लॉन्च की गई है ये एक बहुत ही हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट एक्सपीरियंस है क्लेमट के लिए कोई इसमें झंझट नहीं है आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है क्लेम के फॉर्म भरने हैं वो आपको हर जगह जहां आपने करवाई हैं बैंक में प्राइवेट बैंक में पोस्ट ऑफिस में हर जगह आपको दो तीन पन्नों का वो क्लेमेंट फॉर्म मिल जाएगा आपको उस क्लेम फॉर्म को भरना है भरने के बाद सबमिट करवाइए और विदाउट एनी क्योरी जो डेथ सम शोड है नॉमिनी के अकाउंट में आ जाता है क्लेम सेटलमेंट विज भी मेड ड्यू टू बैंक अकाउंट इंश्योर्ड अमाउंट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर नॉमिनी को उसका पैसा मिल जाता है नॉमिनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों ज़्यादातर जो बैंकें हैं उनमें एल आई सी इस पॉलिसी को बेच रही है हो सकता है कुछ अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग बैंकों का अलग अलग कंपनियों के साथ टाइप है लेकिन ज़्यादातर एल के पास यह है इसका एल ही इस पॉलिसी को बैंकों के साथ पोस्ट ऑफिस के साथ टाइप करके बेच रही है कोई तो व्यक्ति इस स्कीम से एग्जिट भी हो सकता है और इसको दोबारा ज्वाइन भी कर सकता है उसकी शर्त यही है कि उसको साल का पूरा प्रीमियम पे करना होगा एक सेल्फ डेक्लेशन देनी होती है गुड हेल्थ की जो भी नॉमिनेशन uh, फॉर्म के साथ ही आपको मिल जाती है कभी भी वो एग्जिट करे कभी भी वो रिजॉइन करे इसकी कोई लिमिट नहीं है इसके बाद दोस्तों फाइव पॉइंट मैंने पहले ही कवर कर लिया इसमें जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट आपको देना है और एक सिंपल सा क्लेम फॉर्म जो आपको इंस्टीट्यूशन में ही मिल जाएगा बैंक में ही मिल जाएगा वहीं आपको सबमिट कर देना है और नॉमिनी के अकाउंट में जो दो लाख का सम शोड़ है उसको मिल जाएगा अश्योरेंस ऑन लाइफ डेथ ऑफ द मेंबर टर्मिनेट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द नो बेनिफिट विल बिकम द पेमेंट एज अंडर अगर किसी कुछ मैंने नीचे आपको दो तीन पॉइंट बताऊंगा जिसमें होता है कि इस जो टर्मिनेट हो जाता है किसी मेंबर के ऊपर इसका कवरेज होता है जो उसमें तीन पॉइंट ये हैं पहले ऑन अटेनिंग दज ऑफ़ द फिफ्टी फाइव ईयर अगर किसी आदमी की उम्र 55 साल हो जाती है और उसने 50 साल तक पेमेंट की ही इसके प्रीमियम की तो पचपन साल के बाद उसका ये जो श्योरेंस है दो तो लाख का कवरेज है वो टर्मिनेट हो जाता है इसके बाद दोस्तों क्लोज़र ऑफ द अकाउंट अगर आपने बैंक में खाता ही बंद कर दिया उसके बाद भी ये टर्मिनेट हो जाता है खाते में खाता खोला है लेकिन खाते में कोई पैसा नहीं है आपने पैसा जमा नहीं करवाया तो प्रीमियम कहाँ से कटेगा अगर प्रीमियम नहीं कटा तो आपका जो जो, जो पॉलिसी की इंश्योरेंस है वो टर्मिनेट हो जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो इंश्योरेंस है वो एक कंपनी आपको एक ही बैंक अकाउंट में देगी अलग अलग बैंक अकाउंट में नहीं देगी आपने सिर्फ एक अकाउंट में लिया है तो आप एक जगह उसको ले सकते हो दूसरी बैंकों में वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी जो जो सम समोड है दो लाख का दोस्तों ये कुछ जो स्क्रीन के ऊपर आप अभी देख रहे हैं कुछ इस तरह का इसका नॉमिनेशन फॉर्म होता है एंट्री फॉर्म होता है इस खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को इसमें ऊपर लेफ्ट साइड में जो इंश्योरेंस कंपनी है जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर बैंकों में या फिर प्राइवेट बैंकों में एल है तो कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं जिनका टाइप है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेच रही हैं इसके सेंटर में आएगा इस स्कीम का लोगो और राइट साइड में आएगा जिस बैंक से आप या पोस्ट ऑफिस से आप इसको करवा रहे हैं इसमें जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस फॉर्म को इसमें आपको बहुत ही सिंपल सात आठ कॉलम भरने हैं जिसमें नाम आपका बैंक अकाउंट आपकी ईमेल आईडी, आपके नॉमिनेशन का नाम और उसका रिलेशन्स आपकी जन्म तिथि आधार नंबर मोबाइल नंबर अगर नॉमिनेशन जो आप इसमें भर रहे हैं वो माइनर है तो उसके बाद माइनर के ऊपर गार्डियन का नाम और गार्डिन का एड्रेस बस इतनी सी डिटेल आप भर के नीचे साइन करके सबमिट करवाएंगे और नीचे दी गई अकनोलिजमेंट स्लिप आपको वापस मिल जाएगी यह आपका इंश्योरेंस का आपके पास एक प्रूफ है कि आपने ये पॉलिसी करवाई है दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि एक टर्म प्लान है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका बहुत सारे अकाउंट होल्डर को इसका फ़ायदा भी मिल चुका है और इस योजना के लगे हुए सारे एस्पेक्ट्स इनकी कुछ खामियां इसको कैसे हम लेना है क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको डिटेल से बताए अगर आपको फिर भी इस स्कीम के बारे में कोई आपके मन में डाउट है कोई कमेंट्स है तो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो में दिखाए गए फॉर्म और क्लेम फॉर्म उनका मैंने लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप क्लेम फॉर्म और इसका नॉमिनेशन एंट्री फॉर्म वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एंड कॉल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द सिंग ब्रॉडकास्ट फॉर द फ्यूचर्स इंफॉर्मेशन वीडियो थैंक यू